आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रास और बबूर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो इसका अपोजिट है, आप खुद भी कर सकते हो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसका अपोजिट जो बनेगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्मड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। जब गैमेट के जरिए कोई नया इंडिविजुअल बनता है दैट इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रास प्रोडक्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गई सो रिप्रोडक्शन ये ऑर्गेनिज्म बन बट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट। न स्पर्म न एग की इन्वॉल्वमेंट होती है, न पोलन ग्रेन न ओव्यूल की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक, बट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट। ठीक है, तो आप लिखोगे इट इज दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्मड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है तब जाके एक नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक, गैमेट हमने कल कहा गैमेट में इंक्लूड स्पर्म, गैमेट में इंक्लूड द एग और ओवम, या अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो वहां पर गैमेट क्या है, ओव्यूल। ठीक है, एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे वहां पर पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट होता है एंड ओव्यूल के अंदर गैमेट होता है। ये एक मंज गैमेट आता है, पोलन ग्रेन इटसेल्फ इज नॉट अ गैमेट, पोलन ग्रेन में पाने गैमेट आते बल्कि इट्स मंज गैमेट आसन। ठीक, ओव्यूल इटसेल्फ इज इट्स अ गैमेटोफाइट। डाइवर्स में हम पढ़ते हैं, आपने नहीं पढ़ा क्योंकि वो डिलीटेड है, गैमेटोफाइट मंच गैमेट मौजूद आसन। तो हम ये भी लिख सकते हैं पोलन ग्रेन ओव्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, नया इंडिविजुअल सीड बनेगा, तो सीड से क्या बनेगा, नया इंडिविजुअल, ये मंच ना गैमेट। स्पर्म एंड एग जब मिलेगा तो क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट विल गिव राइज टू व्हाट, न्यू इंडिविजुअल। नो नो इंडिविजुअल, एक बेबी बनता है कि नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक, वो ये आप नो इंडिविजुअल बने इन्वॉल्व गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब गैमेट जो है, गैमेट कौन देता है, एक तो मेल देता है और कौन देता है, फीमेल। तो कितने इंडिविजुअल इन्वॉल्व हुए, दो इंडिविजुअल। रास इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर टेट दो पैसे अब कोई इंडिविजुअल हासिल बना क्या नया इंडिविजुअल, ज इंडिविजुअल इन्वॉल्व गए कस गए, आगो मेल ब्या गो फीमेल, मेल एंड स्पर्म फीमेल एंड एग। तो ये कौन सी प्रोसेस है, इट इज ए बाय पेरेंटल प्रोसेस, रात दो में साथ यूनि पेरेंटल प्रोसेस, तो इट इज ए बाय पेरेंटल प्रोसेस। तो दूसरा आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए शबा इट इज ए बाय पेरेंटल प्रोसेस। बाय पेरेंटल प्रोसेस इज दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच टू इंडिविजुअल टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते उस प्रोसेस को हम बाय पेरेंटल प्रोसेस कहते हैं। ठीक, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गोबर क्या बाय पेरेंटल प्रोसेस। थर्ड, कल हमने कहा एक जो नया इंडिविजुअल बनता है बाय मीनिंग ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हूबहू क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, सुना सर, एग्जैक्ट कॉपी सुना सर। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वहां पे जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती अपने पेरेंट्स की, या आपस में दो भाई नहीं मिलते, आपस में दो बहनें नहीं मिलती हैं,
यहाँ जो फ्रेंड्स ने पार में रालन क्या जितने भी आप क्लास में हो तुम जो प्रोड्यूस में बाइनरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आप आपस में मिलते हो ना क्या हम पेरेंट्स के जैसे हैं ना क्या कैरेक्टर रह गए ना कान ऐसे हा? पर हुबहु एग्जैक्ट कॉपी ना आसना इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी पन्न पेरेंट न्यू के एक्सेप्ट यहां आपस में दो भाई भी मिलते भी नहीं है एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विन जो मोनोजाइगोटिक ट्विन दुकुड़ छास आइडेंटिकल ट्विन तुम पानवे रल नंडिविजुअल कम से गए बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपस में मिलते नहीं है समझ रहे हो सो आप क्या लिखोगे न्यू इंडिविजुअल तो आप थर्ड पॉइंट लिखोगे न्यू इंडिविजुअल फॉर्मड बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स कल हमने अनु की बात की वो जो दो अनु पे बनते थे वो एग्जैक्ट कॉपीज उनमें जेनेटिकली ऐसे सिमिलर यम जीन्स के वजह से जाना पेरेंट्स तुम्हें इस तरह के में बट के क्रोमोसोम पे कार्बन कॉपी बना सो ट्रांसफर डायरेक्ट बाय मीन्स ऑफ माइटोसिस डिवाइड सेल गसन क्रोमोसोम के गसन डिवाइड यम क्रोमोसोम पेरेंट्स में तुम्हें एग्जैक्ट तरह के में वो बच्चे न्यू इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी जेनेटिकली सिमिलर टू दियर पेरेंट बट यहां पे जो नया इंडिविजुअल बनता है वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होता तुम चाहते टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स समझ आइए सो अब क्या आपको क्या देखने को मिले डिफरेंस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गसन क्रिएट कम डिफरेंस ये रल ही नहीं अमित यह अमित क्या या पन्न पेरेंटन ही अम स क्या क्रिएट गिफरेंस सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्रिएट गिफरेंस एमंग द इंडिविजुअल डिफरेंसिस एमंग द इंडिविजुअल क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंसिस क्रिएट होती है जितने भी इंडिविजुअल्स बनते हैं वो क्रिएट का कहता है डिफरेंस ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पेरेंट में जो जीन्स है वही तो बच्चों में जाएगा पद बनाए तीन बच्चे तिमन मन चाहे सेम तिम वो एक्चुअली क्रिएट गसन डिफरेंस बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्रिएट गसन डिफरेंसिस हम चाहिए तो आप क्या लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट क्रिएट वेरिएशन और वी कैन से डिफरेंसिस अमंग द इंडिविजुअल तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल शबा रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन फॉर क्रिएटिंग वेरिएशन वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस जितने भी इंडिविजुअल बनते हैं बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो एग्जैक्टली हूबहू नहीं होते अपने पेरेंट्स के ना ही दो भाई आपस में मिलते हैं एक्सेप्ट द आइडेंटिकल ट्विन पानवे बाकी छो कहान इंडिविजुअल पानवे रहा दैट मीन एम सी क्रिएट गसन कम वेरिएशन गए डिफरेंस अब आप बोलोगे कैसे वेरिएशन क्रिएट होगी अगर एक मेल है वो अपने बच्चों को जन्म देता है पेरेंट शांस सेम अगर लड़े तो ह्यूमन की बात करें पेरेंट यूज तमिज गोल्डन नेचू पस दाओ ब्याह नेचू पेरेंट तो सेम है मगर तम जो नेची आ पानवे हिवी कलो एक ही पेरेंट है तो दिखे अको पेरेंट ये क्या एक ही पेरेंट है जो नेची जोर तम तानवे हिवी वेरिएशन इज देयर इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल अम खुद कुछ रेस्पॉन्सिबल मियासिस रेस्पॉन्सिबल मियासिस रात पड़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मज मियासिस गसन मगर यम सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गसन गसन प्रोसेस तथा वनान मियासिस वनान हम देखेंगे मियासिस किसे कहते हैं हमने पढ़ा है मियासिस रिडक्शनल डिवीजन मियासिस गोबर कस रिडक्शनल डिवीजन
रिडक्शनल डिवीजन गो यहां सेल डिवाइड ग पत बन नौ सेल तथ मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कह कल हमने पढ़ा माइटोसिस एकिस पेरेंट्स मे लड़स मे चोर क्रोमोसोम ये तम नई इंडिविजुअल बने तिमन मे चोर क्रोमोसोम बट यहां पे कुछ ऐसी सेल्स बनती है जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रिड्यूस गैसा गोबर रिड्यूस वो सा गोबर अगर अस टेस्टीज की हम बात करेंगे ये टेस्टीज टेस्टीज का हम सेक्शन काटेंगे ऐसे लेट अस सपोज टेस्टीज की वॉल जो है इट इज कवर्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू सुना पढ़ो एपिथेलियल टिश्यू इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे 46 वी हैव नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं 46 ये सेल टेस्टीज की ये जो सेल है वेन इट विल गिव राइज टू व्हाट स्पर्म डेली स्पर्म बना एक्चुअल का सर मियासिस क्या सर गोबर का ये मियासिस गई यहां पर 46 क्रोमोसोम एक्ट कल रोजन 23 दैट मीन्स एक्ट गो कंक्लूजन रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गई हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गई हाफ यानी क्रोमोसोम नंबर यूजन सेलन में 46 ओस यूथी एम सुपरम बनो या एग बनो कोई भी गैमेट जब बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गोबर आसन क्या हाफ बराबर आसन आल्सो वो इंसान मियासिस गई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हाफ दो सेल लेट अस सपोज बो करें इसके अंदर क्या होंगे क्रोमोसोम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रोमोसोम छा गोबर गए क्रोमोसोम लेट अस सपोज 46 क्रोमोसोम जमी स्पर्म बन अम रोजन 23 कस रोजन 23 बह हम सारी क्रोमोसोम बन ठीक वन सपरेट ग 23 ग स्पर्म मीस मे 23 तथ दौरान जन जीनस जीन लेट अस सपोज यथ क्रोमोसोम पे जीन जीन ए जीन बी जीन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जीन डी ठीक है ये गो ब्या क्रोमोसोम हमेशा क्रोमोसोम आ पीरन मन अगर 23 क्रोमोसोम पीर लेकिन 23 पीर इन क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या वन अगर अकिस सेल मन 46 क्रोमोसोम दुकुट इत पीर इन दो क्रोमोसोम क्या कहते होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या सा गोबर वन होमोलॉगस क्रोमोसोम गो अगर तुम इन वन यह क्रोमोसोम अमे होमोलॉगस क्रोमोसोम यह गो ब्या क्रोमोसोम अमे होमोलॉगस क्रोमोसोम छा ठीक होमोलॉगस क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम दीज आर द होमोलॉगस क्रोमोसोम यम 46 क्रोमोसोम 23 पेयर जन यम क्या गए सपरेट बट बिफोर सपरेशन ये आपस में क्या करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते ये इंपॉर्टेंट है यम पे जीनस क्या कर एक्सचेंज लेट अस सपोज जो क्रोमोसोम कर क्रॉस कित क्रॉसिंग कर क्रॉसिंग ओर स्टेप कर क्रॉसिंग ओर क्या कर दौरान मियासिस दौरान ये मियासिस ना ग्रोमोसोम ये हाफ गो मगर ये तुम गोड़ हाफ ग मत तम ब्रो क्या कर क्रॉसिंग ओर हे जो क्रोमोसोम आग चुकन ब्या चुकन मगर यम गो क्रॉसिंग ओर कर क्रॉसिंग ओर मतलब गो पान रलान यह लड़स वो कैप मान तो जीन ये जीन तर कथ पे ये जीन तर यस पे वह रूद सेम क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या गो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर गो चेंज या क्रोमोसोम क्रोमोसोम के अंदर जो जीनस है वो क्या हो वो चेंज वो रूद सेम क्रोमोसोम गो बुजन दफ है यद गो ए बी सी डी जीन ये 1 2 3 4 ये वन जीन जन कर क्रॉसिंग ओर वन तो ए दरमान गए क्रॉसिंग ओर ये वन जीन जन तर योर ये ए जीन इत कौर योर समझ गो ये अलग सपरेट गो वन ये सपरेट त्रोवु गए युकन त्रोवु गए युकन समझ वह रूद ये सेम क्रोमोसोम समझ अब ये क्या क्रोमोसोम गई युकन क्या क्रोमोसोम गए युकन समझ अब नेक्स्ट टाइम ये यह पेरेंट बन बीस पर तमि सा बदल कुछ जाए क्या क्रॉसिंग ओर तम सा ये चोरस तो सी एस दरमियान गए क्रॉसिंग ओर यह जीन नंबर चोर तरह युथ यह जीन नंबर सी तरह युथ वो मो डिफरेंट क्रोमोसोम कथ मन सुपर सपरेट ग
गो सुपर मैं हर हमेशा बनान कम क्रोमोजोम डिफरेंट क्रोमोजोम बिकॉज डिफरेंट प्लेसन पे क्या क्रॉसिंग गो हमेशा इस मेल या फीमेल यम सात गैमेट बनान तम गैमेट हमेशा क्या सेम कह अगर ही किस्म सुपर बनाया सारी इंडिविजुअल क्या सेम है। मैं कह रहा हूं कि एक पेरेंट जो है ये अपने बच्चों को जन्म पेरेंट सेम मगर इस बच्चा एट डिफरेंट टाइम्स क्या डिफरेंट डिफरेंट क्यों क्योंकि वो हर एक समय पे क्या बना था डिफरेंट सुपर डिफरेंट एक बना प्रोड्यूस कैसे की प्रोड्यूस ग बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब एक मेल जो है सुपर्म बनाता है या यम सा फीमेल एग बनावन सो एग डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम सेम कह कम एग बन या सुपर्म बन मियासिस क्रॉसिंग ओवर ये क्रॉसिंग ओवर गो क्रोमोजोम क्या बनान डिफरेंट जीनस गए एक्सचेंज ये क्रोमोजोम बनो डिफरेंट अगर लेट्स सपोज मे दोबो एस यम बनो सुपर मगर अच्छे गुमत एक्सचेंज एस तो वनस दरमियान यम सा बी लट सुपर बनो गुमत एक्सचेंज सी एस तो फोरस दरमियान समझ यो 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 क्रोमोजोम डिफरेंट डिफरेंट वनकस डिफरेंट कुछ जाए त्रेन जाए एक्सचेंज कुछ जाए चोन जाए एक्सचेंज गो हमेशा जन सुपर बन या एग बन सह हमेशा क्या वो डिफरेंट प्रोड्यूस होते अमीन इस शुर्न पान ही क्या क्या मेल तो फीमेल यम सा गैमेटस बनान तथा मियास मियास के दौरान क्या होती है क्रॉसिंग ओवर ओ समझ क्रॉसिंग ओवर समझ क्रॉसिंग ओवर प्रोड्यूस कम डिफरेंट क्रोमोजोम हमेशा सेम रोजन उसके ऊपर जो जीनस होते हैं अरेंजमेंट जीन ए बी सी डी ई एफ जी एच मगर यम सा मियासिस गई एक्जलो सीक्वेंस ए के बदले वन आया वहां पर ओ अच्छा सा बदल चें बने ना सीक्वेंस गई ना चेंज वो डिफरेंट क्रोमोजोम गए प्रोड्यूस ये रूद ना सू क्रोमोजोम अमी इंडिविजुअल मज कम वेरिएशन समझ क्या अकिस इंडिविजुअल मज वेरिएशन तेली जीनस क्या डिफरेंट वो डिफरेंट टाइम पर बनान डिफरेंट क्रोमोजोम क्रोमोजोम वही होता बट उसके ऊपर जो जीनस होते वो डिफरेंट आते डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम यम सा गैमेटोजेनेसिस गई यम सा गैमेट बनी यम सा सुपर्म बन यम सा एग बनान तम हमेशा सेम तम क्या डिफरेंट वो डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ द मियासिस। अब आपको समझ में आया होगा मियासिस में होती क्या है क्रॉसिंग ओवर और वी कैन से रिकम्बिनेशन तथा रिकम्बाइन गम्बाइन गम क्रोमोजोम तम पानी जीनस कर एक्सचेंज तो क्रोमोजोम डिफरेंट प्रोड्यूस एट डिफरेंट टाइम इस तरह से वेरिएशन क्रिएट होती हैं किसके अंदर इंडिविजुअल रात वो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो मैं मियास मैंने मियास का जिक्र किया ना तो मैं मियास जिक्र कह सिंपली अल डिवाइड क्रोमोजोम तुम डबल कर सिंपली डबल तुम एक्सचेंज कर बट एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जब भी गैमेट पहले बनता है उसमें मियासिस होती है जब मियासिस होगी क्रोमोसोम बना डिफरेंट आज छू गैमेट बना बने हुआ गैमेट क्या गए मियासिस। मैं कह रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटासिस भी होती है माइटासिस कुछ कर तो जब एक सुपर लेट अस सपोज ये स्पर्म है स्पर्म रेलियोकास्टिक एट यम सा गैमेटस बने एट कैसा गई गो मियासिस तो गया मियासिस गया मियासिस मियासिस हुई यम सा वनम रले यमो क्या बनो जायगोट इसमें टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 23 ये मत कर जो 23 पेयर में नहीं कर क्योंकि मैं तुमके सेपरेट 23 जायगोट मत कर क्रोमोसोम है क्या बने हुए जायगोट जायगोट ऑफ डिवाइड जायगोट क्या है इट इज अ सेल जायगोट है ना सेल ये क्या कर गो डिवाइड कब सेल बना मगर इन साथ जो सेल बना यह सेल में कब क्रोमोसोम रोज 46 बनाए चोर सेल चोरवनी सेल में 46 तो जब जायगोट अब बनेगा वो डिवाइड जब होगा अब हर एक सेल में हाफ क्रोमोसोम नहीं होंगे हर एक सेल में क्या हो गया माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन
नंबर ऑफ क्रोमोसोम रोज बाय सेम अल्टीमेटली डिवाइड 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 गई एट बाय एम्ब्रियो एट बाय बेबी अख नो इंडिविजुअल को अख नो इंडिविजुअल ये प्रोड्यूस गसन बाय मीनस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तो गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी उसमें क्या होती है मियासिस जिम साथ में नहीं रैले एक क्या बोलिए जायगोट जायगोट क्या कैसे डिवाइड जब वो डिवाइड होगा तो क्या होती है माइटोसिस एमिडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मियासिस एंड माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझे हो तो आप फिफ्थ पॉइंट लिखोगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मियासिस एंड माइटोसिस टेक्स प्लेस तो बोथ माइटोसिस एंड मियासिस टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा दोनों प्रोसेस होती है माइटोसिस भी दोनों सेल डिविजन होते हैं माइटोसिस भी एज वेल एज मियासिस मियासिस ध्यान रखना है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान होती है माइटोसिस इज ऑन टू सच गसन साथ फर्टिलाइजेशन गैसे पद जायगोट डिवाइड गैसे सच गसन कॉस माइटोसिस समझ में आया और एक पॉइंट कल हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्रिएट गसन वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्रिएट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोन में क्रिएट गसन बिकॉज ऑफ द मियासिस बिकॉज ऑफ द अब ये भी चांसेस है यम सा डिफरेंस क्रिएट गई डिफरेंस क्रिएट गई चांसेस ये के कि आख नौ स्पीशीज एक बने नौ स्पीशीज के साथ गोबर बन यम सा डिफरेंसेस गसन क्रिएट यम सा वेरिएशन क्रिएट गसन यम सा वेरिएशन गसन जमा वेरिएशन वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट ये गस टू डिफरेंट कि बने आख नौ स्पीशीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारी आसान हिवी अत हेकन नौ स्पीशीज चांस ना नौ स्पीशीज चांस बनु चांस मत बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वेरिएशन क्रिएट होती है डिफरेंसेस क्रिएट होती है ये वेरिएशन गसन क्रिएट कि पॉसिबिलिटी अख नौ स्पीशीज हेकना बन गो यम सा नौ स्पीशीज ना बनान इट इज बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप सिक्स्थ पॉइंट क्या लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर शबाश फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज सो दैट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल ही नहीं है किसमें एवोल्यूशन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल बनता है किसमें एवोल्यूशन तो आप लिखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एवोल्यूशन में इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है एक इंपॉर्टेंट रोल एवोल्यूशन समझ आई एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं लेट अस ह्यूमन ह्यूमन जब आप इसका वो वेल एडवांस्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मैमल जितने भी हैं वो क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायवर्सिटी पड़ा लोअर ऑर्गेनिज्म गोड़ गोड़ ऑर्गेनिज्म जीवन तुम्हारे मज गन कॉस रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म वायल एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म समझ आई तो आप लिखोगे सेवंथ पॉइंट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन वेल एडवांस्ड जो होते हैं इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन लिख सकते सो इस तरह से ये हम डिफरेंस लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन ऐसा भी आता है difference between sexual and asexual reproduction simple yahan simply aise aata hai define reproduction what are its various types sahi mein aayega ek yes sir itna hi theek hai